जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रों में करें झाड़ू के रहस्यमयी और चमत्कारी उपाय जो बनाएंगे आपको मालामाल। इस नवरात्रि में एक झाड़ू कैसे बना सकता है आपको मालामाल। इस उपाय से कभी भी आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होगी और आप हमेशा पैसे वाले रहोगे, हमेशा मालामाल रहोगे, लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। अमावस्या आ रही है और आपको इस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 के बीच आपको पुराना झाड़ू घर से बाहर रख देना है और इसके बाद नवरात्रि वाले दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच नया झाड़ू अपने घर में प्रवेश करना है। अगर इस झाड़ू का प्रवेश आपके घर में जो कमाता है यानी कि आपका घर जो चलाता है वो करता है तो ये बहुत ही लाभकारी होगा और यह झाड़ू आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपको बस एक ही पुराना झाड़ू घर से बाहर करना है और अगले दिन नया झाड़ू आपको अपने घर में लेकर आना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप अपने घर के सारे पुराने झाड़ू घर से बाहर फेंक दें और बहुत सारे झाड़ू नए लाएं। ऐसा कुछ भी ना करें, बस ये उपाय आप एक ही झाड़ू के साथ करें। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आपने कभी भी झाड़ू की निंदा कर दी और झाड़ू को सम्मान नहीं दिया या फिर झाड़ू पर पैर रखा और झाड़ू को लांघा तो आपको ये उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सब करने से झाड़ू का अपमान होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कम हो सकती है। तो कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं है और ना ही उसके ऊपर से पैर रखकर जाना है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से भी ना लगाएं। जिस तरह सूर्यास्त होता है उसी तरह आपकी तकदीर भी अस्त हो सकती है अगर आप शाम के बाद झाड़ू या पोछा लगाते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू और पोछा ना लगाएं। तो दोस्तों ये था नवरात्रों में करें झाड़ू के रहस्यमय और चमत्कारी उपाय जो बनाएंगे आपको मालामाल। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।